दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्याम खाटू वाले बाबा की। दोस्तों कल रात को वीडियो लंबी हो गई थी, तो मैंने वो जो बैंक की जो सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट है थोड़ा लेट आई थी, इसलिए मैं डाल नहीं पाया। आज डालता हूँ। और आज हम मैं और हमारा एक छोटा भाई है, और वो जिस बच्ची के 50,000 रुपये चोरी हुए हैं बैंक में से, और वो जो चोरियाँ दिख रही हैं सीसीटीवी में, हम आज SHO साहब से मिलने जा रहे हैं शाम को 7 बजे। फिर आपको हम मैं इसके इस दोस्तों ये थाना नंद नगरी है, और अभी हम SHO साहब से मिलने आए हैं, और आगे की बात बाद में वीडियो बताता हूँ। दोस्तों ये थाना नंद नगरी है, अभी हम जो बैंक से 50,000 रुपये निकले हैं उस बच्ची के, उसके साथ आए हैं SHO साहब से मिलने के लिए। अभी आपको SHO साहब से मिलकर आपको कुछ जानकारी देंगे। अभी वो गुड़िया भी आ गई है उस स्कूटी पे, अब मैं अभी SHO साहब से मिलने जा रहे हैं मैडम को। दोस्तों अभी अभी मैं थाना नंद नगरी के SHO साहब से, मैं और वो बिटिया जिसके पैसे निकले हैं, हम लोग मिलने के आए हैं। और मेरा एक छोटा भैया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो मेरा छोटा भैया भी दोनों गए थे, दो छोटे भाई थे वो गए थे मेरे साथ में साहब से मिलने SHO साहब से, और उन्होंने आश्वासन दिया है और वो कार्रवाई करेंगे, और वो बहुत जल्दी। दोस्तों मैं अभी अभी थाना नंद नगरी से आया हूँ। आपको कल मैंने बताया था अपने ब्लॉग में कि एक बच्ची के 50,000 रुपये SBI नंद नगरी बैंक में से निकाल लिए चोरनियों द्वारा। तो मैं आज उस चोरनी का ब्लॉक के अंदर CCTV कैमरे की जो रिपोर्ट है, जो CCTV कैमरे की जो फुटेज है, वो डालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और अपने परिवार को और अपने जो माता बहन भाई जो भी बैंक में जाते हैं, तो वो होशियार रहना चाहिए। ये मेरा मकसद यही है कि सबको होशियार करने के लिए कि बैंक में जाएं, आगे पीछे दाएं बाएं सारी जगह देखें, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके पीछे तो नहीं लगा हुआ। आप जैसे पैसे गिन रहे हैं तो एक अकाउंट काउंटर से अलग होके गिने, इस तरह से लोग वहीं पर गिनने लग जाते हैं, लोगों की नज़र में लोग इस तरह की ना रैकिंग कर लेते हैं आप लोगों को परेशान करने के लिए, पैसे निकालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आज वो CCTV कैमरे की मैं फुटेज डालूँगा, और आप लोग को कहीं भी दिखें ये चोरनियाँ, तो आप दिल्ली पुलिस की हेल्प करें। दिल्ली पुलिस को 112 पर डायल करके थाना नंद नगरी को सूचना दें और इनको गिरफ्तार कराएं। हो सकता है ये कहीं भी आगे जाकर किसी को भी औरों को शिकार बना रही होंगी। किस तरह से वो रैकिंग करती हैं, किस तरह से वो दरवाजे बैंक के दरवाजे पर तीनों जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से जो पीड़ित है उनको घेर लेते हैं और उनके बैग को काट कर और पैसे बगल में लगा के चली जाती हैं। तो इस तरह से वो आगे भी किसी ना किसी को शिकार बना रही होंगी, उनका पकड़ा जाएगा। मैं ये इसमें वीडियो डालूँगा, आप देखना और देखना किस तरह। धन्यवाद आपका। मैं ये इसमें वीडियो डालूँगा, आप देखना और देखना किस तरह से कैसे साजिश रचती हैं ये चोरनियाँ। धन्यवाद।
ये मुझे दे देंगे इनफॉर्मेशन। करना भैया स्टार्ट। स्टार्ट ही अंदर भी तो होगी ब्रांच में, जरा अंदर देखूं इसे। देखो ना उसने थैला भी ले रखा है। ये बैग लेके घूम रहे हैं ना एकदम पूरा वो इस तरह से। देखो अंदर ब्रांच में सर। ये हमारे मंडी के प्रधान हैं डॉक्टर ओमपाल जी, और हम आज इनसे मिलने आए। ये हमारे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। रिश्तेदारी समझते हो, ये साल बहन हुई भी है, ठीक है ना। और हम इन्हें प्रधान जी के नाम से जानते हैं। कुछ कहना चाहोगे प्रधान जी? मैं क्या कहूँ, जब तुमने कह दिया तो मैं क्या कहूँ। ठीक है व्लॉगर, प्लीज उस आईडी को सब्सक्राइब करो और इस भी इसको भी सब्सक्राइब करो। ये शिवा डांस करेगा, कौन से गाने पे डांस करेगा? पतली पंछी पालू और टिपी रो मस्त गगन में, आज मैं आजाद गगन घास। आ जा वाले बनी भाई, बनी भाई, बनी भाई, ये कुटी नीचे तो कर अगर कटी। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं, और जो मैंने आपको दिखाया है उस पर वीडियो जो दिखाई है बैंक की, अगर ये महिलाएं कहीं भी दिखती हैं तो तुरंत हमारी दिल्ली पुलिस को सूचना दें और पुलिस की मदद करें, एक अच्छे नागरिक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे नए बहन भाई को जुड़े हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमी रह जाती है तो उसे अपना बड़ा भाई, छोटा भाई या अपना बच्चा समझ के मुझे क्षमा भी कर दें, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। आप मेरी वीडियो, मेरे चैनल को लाइक करें।